अभी भी मौका है तुम्हारे पास, मान लो मेरी बात, फायदे में रहोगे, तुम भी खुश रहोगे, मैं भी, और शिजाबी। तुम जितनी भी कोशिश कर लो वफा, हम दोनों के बीच ये दो कदम कभी खत्म नहीं होंगे। कैसे हो यार तुम, बड़े ढीठ हो, कब तक तुम अपनी अना के पीछे, अपनी जिद के पीछे इस तरह अपने घर वालों को झुकाते रहोगे, घुटनों पे ले आओगे? मतलब तुम्हारा भाई, तुम्हारा सगा भाई तुम्हारी अना की भेंट चढ़ गया, लेकिन तुम्हें अभी भी अक्ल नहीं आई। देखो क्या हाल बनाया हुआ तुमने अपना, क्या थे और क्या हो गए हो, बाप बनने वाले हो यार, तुम्हें तो अपने घर वालों के साथ जाके सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन नहीं, बेहिसों की तरह तुम बस खड़े होके तमाशा देख रहे हो, जंग लड़ रहे हो मुझसे। ठीक कह रही हो तुम, बिल्कुल ठीक। मैं अपनी ही जिद और आना में इतना आगे निकल गया कि मैंने किसी के बारे में सोचा ही नहीं सिवाय अपने बारे में, अपने दर्द के बारे में। और सच तो ये कि मैं हार गया हूं, तुम्हारे सामने टूट गया हूं मैं, तुम्हें हराने की ख्वाहिश में भागते भागते थक गया हूं मैं कि मुझे अपना वजूद ही बोझ लगने लगा है और हिम्मत नहीं है मुझ में, हिम्मत नहीं है तुमसे लड़ने की वफा, इसलिए मैं तुमसे अपनी हर उस अमल की माफी मांगता हूं जो मैंने तुम्हारे साथ किया। गलत था मैं, अहमक था, जो तुम सोलझ बैठा यार, इसलिए प्लीज प्लीज मुझे माफ करो और इस किस्से को खत्म कर दो वंस एंड फॉर ऑल। ठीक है, मगर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? मुझे मेरी वो इज्जत लौटा दो जो तुमने बिखेर दी है, वो वक्त लौटा दो जो तुमने जाया किया है। बताओ कर सकते हो ऐसा? नहीं मीसम, तुम नहीं लौटा सकते, इसलिए तुम भी आज मेरी एक बात कान खोल के सुन लो कि मैं तुमसे सारी जिंदगी ऐसे ही लड़ती रहूंगी, तुम्हें हर वो तकलीफ दूंगी जो तुमने मुझे दी है। आज मेरी हुज्जत तमाम हुई, बड़ी अच्छी ऑप्शन दी थी तुम्हें, तुमने अवेल ही नहीं की। खैर कोई बात नहीं, अब तुम्हें वैसे ही करना होगा जैसे मैं चाहूंगी, और मैं फिलहाल ये चाहती हूँ कि वो फाइल ना तुम मुझे ला दो। What? इनकार की ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, क्योंकि लाइबा की वीडियो अभी भी मेरे पास है और अपलोड की ऑप्शन भी। बहरहाल वक्त है तुम्हारे पास, लेकिन इतना ज्यादा नहीं, कल सुबह 10 बजे तक का, उसके बाद तुम्हारी फैमिली इंटरनेट पे ट्रेंडिंग नंबर 1 पे होगी। दरवाजा बंद कर देके जाना।